ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की पहचान अब जन जन तक हो चुकी है। पत्रकारिता क्षेत्र में अब हमारा परिवार अछूता नहीं है। बड़े मीडिया घरानों में भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की अपनी हनक पहुंच चुकी है। बरेली मंडल में जिला अध्यक्षों की बैठक लेते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव केजीव गुप्ता ने कहा कि आज कितना भी बड़ा मीडिया घराना क्यों ना हो, हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की हनक वहां दिखाई देती है। इस संगठन से कोई भी पत्रकार अछूता नहीं रह गया है जो हमारे संगठन की ताकत को ना पहचानता हो। इसीलिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि आप लोग संगठन को और मजबूत करें। श्री गुप्ता ने कहा कि हम प्रदेश में सबसे ताकतवर स्थिति में खड़े हुए हैं। यह सब हमारे जिलाध्यक्षों की मेहनत, उनकी लगन और उनकी निष्ठा के साथ है। आज हम इस मुकाम पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार है और परिवार में तमाम बातें होती रहती है, लेकिन कृपया परिवार में आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जो परिवार में किसी को खटक पाए। गुप्ता जी ने बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित अन्य जनपदों के जिलाध्यक्ष को सदस्य संख्या बढ़ाने तथा पिछली बार कितने सदस्य आप लोगों ने दिए हैं उसका विवरण भी प्राप्त किया। साथ ही जिले में हर हाल में जिला सम्मेलन आयोजित कराने का निर्देश दिया। साथ ही मंडल अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह को भी पूरे मंडल पर पैनी नजर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि आपको लगता है कि कहीं कोई जिलाध्यक्ष अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप तुरंत प्रदेश कमेटी को अवगत कराएं और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो उन पर अमल शुरू करें। लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष अतुल कपूर जी ने जिला अध्यक्षों को एक सूत्र में बांधने का मंत्र दिया तथा कहा कि आज हमारी जो पहचान है वह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से है। इस दौरान उन्होंने कई संस्मरण भी सुनाए। कपूर ने कहा कि जब हमारा पूरा मंडल मजबूत होगा तो हमारे जिलाध्यक्ष स्वतः ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मंडल कमेटी ही सभी जिलाध्यक्ष पर पैनी नजर रखती है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रांतीय महासचिव ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर यहाँ शाहजहाँपुर आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने बरेली मंडल के सभी जिलाध्यक्षों, इसमें पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली और बदायूं, इन सभी जिलाध्यक्षों को की बैठक ली है और उनको संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं। संख्या बल के आधार पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमारा प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और प्रदेश की 75 जनपदों में हमारी सक्रिय इकाइयां हैं जिसमें 5000 से ज़्यादा पत्रकार शामिल हैं। हम लगभग 40 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पत्रकारों के लिए, हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और शासन तक उनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि जिलों पर होने वाली स्थायी समिति की बैठकों में बराबर बैठ रहे हैं और पत्रकार उत्पीड़न की समस्याओं को उठा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर हमारे बैठक लेने का उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के लिए, बरेली मंडल को मजबूत करने की दृष्टि से यहाँ पर बुलाई गई।